हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयाग बोध में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित एक प्रागैतिहासिक शैलाश्रय है, के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कई विशेषज्ञों ने शैलाश्रय की दीवारों की कलाकृतियों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला है कि यह पाषाण काल अवधि से संबंधित है। यह भारतीय महाद्वीप पर मानव जीवन के चिन्हों को प्रदर्शित करता प्रतीत होता है, जिससे इसे दक्षिण एशियाई पाषाण युग की नवजात अवधि में निर्मित किए जाने की अवधारणा को बल प्राप्त होता है। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को के द्वारा एक विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। अध्ययनों से संकेत प्राप्त हुए हैं कि लगभग 1,00,000 वर्ष पहले इन शैलाश्रयों में संभवत होमो इरेक्टस निवास करते थे। इस समूह की नवीनतम शैल चित्रकारी लगभग 30,000 वर्ष पुरानी है। इसकी पुरातनता के कारण इस स्थल से कई किंवदंतियां जोड़ी जाती रही हैं। इसके नाम भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान, जो पांडव भाइयों में से एक थे। शैलाश्रय अनेक आवास स्तरों को प्रदर्शित करते हैं। पहली अवधि उत्तरकालीन पुरापाषाण काल का पर्याय है और बड़े जानवरों जैसे गौर, बायसन, राइनो और बाघों को प्रदर्शित करती है। दूसरा चरण या मध्य पाषाण काल छोटे और अस्वाभाविक मानव आकारों को प्रदर्शित करता है। इन मानव आकारों को कांटेदार भाले, नुकीली छड़ियों एवं धनुष बाण जैसे हथियारों के साथ दिखाया गया है। वे नाचना, अंत्येष्टि, पीने, खाने इत्यादि जैसे सामाजिक व्यवहारों को भी प्रदर्शित करते हैं। ताम्रपाषाण युग तीसरा युग है, जो कृषि गतिविधियों एवं घूमंत जातियों और कृषि आश्रित जातियों के बीच आदान प्रदान को प्रदर्शित करता है। सबसे रुचिकर चित्रकारियां प्रारंभिक ऐतिहासिक युग की हैं, जो विस्तृत प्रकार के रंग पैटर्न को प्रदर्शित करती हैं, जिसमें चित्रकारियों में लाल, सफेद और पीले रंग का प्रयोग किया गया है। इन चित्रकारियों में जादुई प्राणियों, आकाशगामी तीर्थों, वृक्ष देवताओं को भी प्रतिनिधित्व मिला है। अंतिम अवधि, जिसे प्रारंभिक मध्ययुगीन अवधि के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, मैग्नीज, लकड़ी, कोयला और हेमेटाइट के उपयोग को प्रदर्शित करती है। सर्वाधिक ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषता जंतुशैल है, जिसमें हाथियों, गौर, बायसन, हिरण और सांभर को चित्रित किया गया है। यह स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।